हे hey गाइस कैसे हैं आप लोग होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर और इट इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशियो और कुछ लोग इसको डायरेक्ट इन्वेंट्री टर्नओवर भी लिख सकते हैं सो ऑल थ्री नेम्स लेकिन चीज एक ही है बात कॉन्सेप्ट सेम ही है ओके okay?

क्या चाहते है मर्चेंडाइज के? के वो जल्दी जल्दी इन्वेंट्री सेल करे जितनी जल्दी इन्वेंट्री जाएगी उतनी जल्दी प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा फिर और इन्वेंट्री फिर और पैसा और इन्वेंट्री पैसा इन्वेंट्री पैसा, इन्वेंट्री, पैसा। ट अ लॉर ऑफ प्रॉफिट राइट एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू सेल एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल अब ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि हमारी इन्वेंट्री किस रेट पे सेल हो रही है थ्रू इन्वेंट्री टर्न ओवर ये क्या मेजर करता है कि कितनी जल्दी हम इन्वेंट्री बेच रहे हैं इट मैचर हाउ क्विकली इन्वेंट्री इज सोल्ड ओके अकाउंटिंग रेशियो है एंड नाउ लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है किस तरीके से हम मेजर करेंगे ये एक रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री का ओके सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ये हमारा क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कर चुके हैं उसकी वीडियो लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन चेक इट तो ये क्या है कि चीजें जो हमने बेची उनकी कॉस्ट क्या है वो कितनी की हैं अपॉन एवरेज इन्वेंट्री एवरेज किसी भी चीज का निकालते हैं तो आप उन सब चीजों को ऐड करते हो अगर पांच चीजें हैं तो ऐड करोगे अब चीजें कितनी हैं उस नंबर से डिवाइड करोगे यहाँ पे पांच थी तो डिवाइडेड बाय फाइव ओके एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे कैसे होगी बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री अपॉन टू दो चीज़ें हैं राइट टोटल इन्वेंट्री को डिवाइड करोगे टू से दिस इज योर एवरेज इन्वेंट्री अब इस चीज़ को हम इंसर्ट कर देंगे हमारे ओवरऑल फार्मूला में विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री जब ये हम इंसर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा फार्मूला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री एंड ओवरऑल जो एडिशन है उसको डिवाइड करोगे थ्रू टू थ्रू बाई टू ओके सो दिस इज योर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो ये हमें बताता है क्या कि हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी बिकी सेकेंड थिंग रेशियो क्या है इट्स आ रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एवरेज इन्वेंट्री This is our rate of inventory turnover, or it is also known as inventory turnover ratio. acha by अच्छा भाई inventory turnover jo hai जो है वो ज़्यादातर calculated hota होता है कैसे कैलकुलेट होता है एनुअली और जो हमारी कॉस्ट ऑफ goods सोल्ड है ये हमें पूरे साल की यहाँ लिखनी होती है एंड देन एवरेज इन्वेंट्री जो है वो बिगनिंग और एंडिंग बैलेंसेस के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं And then whatever we get is inventory turnover ratio or rate of inventory turnover. The reason I'm saying this again and again or pa is so that you remember it. This is just graphics. Wahi baat hai inventory turnover, cost of goods sold, average inventory. Ye three no chizyeh hamari. To yaha pe ratio. Kitni dafa chizyeh sell kiye aur replace कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है जो चीजें बेची उनकी कॉस्ट क्या है एवरेज इन्वेंट्री एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग अ सेट टाइम पीरियड तकरीबन कितनी इन्वेंट्री थी उस पीरियड में ओके नाउ देय आर सम पॉइंट्स दिस कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर सम पीपल दिस कुड नॉट बी इट्स जस्ट अ नॉलेज थिंग रिगार्डिंग इन्वेंट्री टर्न ओवर और सो सबसे पहला है कि इन्वेंट्री टर्न ओवर हाई हम प्रेफर करते हैं यानी हम चाहते हैं कि हमारा इन्वेंट्री टर्न ओवर रेट हाई हो ज़्यादा हो जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है हम उतनी ही तेजी से इन्वेंट्री बेच रहे हैं एंड as I आई जितनी जल्दी इन्वेंट्री जाएगी उतनी जल्दी पैसे आएंगे सेकेंड पॉइंट है इसके इंक्रीज इन द टर्न ओवर रेट यानी यानी साल ब साल हर साल अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ता जा रहा है तो मतलब हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं ये रेट ये अच्छा रेट हर इंडस्ट्री का डिफरेंट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी ज़्यादा नहीं बिकती लेकिन हर कार पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है ग्रोसरी ज़्यादा बिकती है पर उस पर प्रॉफिट हर एक चीज़ पे इतना प्रॉफिट नहीं होता के okay? सो so, हर इंडस्ट्री का एक रेंज होती है ना कि आपका इतना इन्वेंट्री टर्न होना चाहिए वो डिफ़रेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री आप हर दूसरे दिन तो एक नई कार नहीं ख़रीदोगे ना लेकिन आप हर दूसरे दिन दूध ज़रूर खरीदते हो इसी तरह ब्रेड खरीदते हो एंड ऑल दैट स्टफ सो ग्रोसरी ज़्यादा बिकती है कार्स हो गई घर हो गए ये सब चीज़ें कम बिकती हैं इनका इन्वेंट्री टर्न जो रेट है वो कम होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होता है अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जस्ट टू मेक यू ओके ओकेट से हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर

अब हम हाँ इसको हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि था इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री अपॉन टू इन्वेंटरी टर्न ओवर आई टी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये थ्री हंड्रेड एंड टेन ट करेंगे सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज तो ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाली चीजें एड करोगे देन उसको डिवाइड करोगे टू से तो आंसर वुड बी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्स एंड टॉप हमारा क्या था वो एज इट इज आएगा आंसर इज टाइम्स पर ईयर यहाँ पे आप टाइम्स पर ईयर लिखोगे यानी इतनी दफ़ा इन्वेंट्री हमारी बिकी एंड दैट्स दैट्स इट हाउ यू डू क्वेश्चंस क्वेश्चन टर्न ओवर जस्ट इन बेटर राइटिंग एंड बेटर फॉर्मेट Okay and that's it for this video. I really hope you liked it and understood something. If you did, let me know in the comments below. That's it for this video. Thank you so much for watching. Like, comment, share and subscribe. Bye.